अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग की लेटेस्ट तरीन 2023 की 65 इंच की एलईडी का रिव्यू, जो कि इसी मंथ कंपनी ने लॉन्च की है। और सबसे पहले उसका रिव्यू आपके लिए लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ के इसके अंदर कौन कौन से कंपनी ने फीचर्स चेंज किए हैं, कौन कौन सी चेंजिंग इसके अंदर लेके आई है कंपनी 2023 के इस मॉडल में। तो सबसे पहले इसके मॉडल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मॉडल की बात करते हैं। इसका जो मॉडल है वो है 65 CU 7000, और इसकी जो इस वक्त मार्केट में प्राइस वैल्यू है वो 2,69,900 रुपीज़ इसकी मार्केट में प्राइस वैल्यू है। इसके डिज़ाइन की अगर थोड़ी बात करें तो इसका जो बेजल है ये कंपनी ने काफ़ी कम कर दिया है दूसरे मॉडल्स की निस्बत, और इसके स्टैंड जो हैं वो दोनों साइडों पर लगे हैं, सेंट्रल नहीं है। और इसका जो रिमोट है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, रिमोट ओपन इसका करते हैं, ये कंपनी ने काफ़ी स्लिम कर दिया हुआ है इसका रिमोट। ये इसका रिमोट है, काफ़ी स्लिम सा, इजी आप ग्रिप इसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो एक और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है वो है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का। इससे पहले जो इनकी सीरीज आ रही थी उसके अंदर कंपनी ने टाइजन 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया था, लेकिन ये जो अब 2023 में CU 7000 सीरीज़ जिसका आज आपके लिए रिव्यू लेके हैं, इसके अंदर जो कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया वो है टाइजन 7.0। उसके अलावा इसके जो पिक्सल्स हैं वो 3840x2160 इसके पिक्सल्स हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्रिस्टल प्रोसेसर 4K कंपनी ने यूज़ किया है। उसके अलावा इसके जो कलर्स हैं वो प्योर कलर कंपनी ने इस्तेमाल किए हैं। इसके जो वाईफाई है वो 5.0 और ब्लूटूथ जो है वो 5.2 है। दोस्तों इसके अंदर मल्टी व्यू की ऑप्शन भी है। मल्टी व्यू ये चीज़ है कि आप इसकी स्क्रीन को स्प्लिट करके एक वक्त में दो प्रोग्राम्स, दो चैनल्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हाफ LED पे आपका एक चैनल चल रहा होगा, हाफ LED पे आपका दूसरा चैनल चल रहा होगा। उसके अलावा HDR 10+ ये चीज़ है कि आप 1 बिलियन कलर अपनी इस LED के ऊपर देख सकते हैं, मतलब कि ये 1 बिलियन कलर सपोर्ट करेगी। इसके अंदर कंपनी ने जो स्पीकर्स इस्तेमाल किए हैं वो 20 वाट के दो स्पीकर्स इस्तेमाल किए हैं। इससे पिछले जो इनके मॉडल्स आ रहे थे उनके अंदर 15 वाट के दो स्पीकर लगे थे, मीन्स के इस LED का साउंड भी पिछले मॉडल्स की निस्बत बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसके अंदर 2000 है, और इसकी जो मोशन रेट है वो 60 हर्ट्ज है। उसके अलावा माइक्रो डिमिंग की ऑप्शन भी है इसके अंदर। अब माइक्रो डिमिंग क्या चीज़ है कि आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी के अंदर अगर कुछ ज़्यादा रोशनी वाले सीन है और कुछ जो है अंधेरे वाले सीन है, तो ये उनको बैलेंस करके आपको दिखाएगी, मीन्स के जो रोशनी वाले सीन है वो तो आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अंधेरे वाले सीन है वो भी आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाएगी। माइक्रो डिमिंग ये ऑप्शन है। उसके अलावा जो है इसमें स्मार्ट सर्विस वेब ब्राउजिंग की ऑप्शन भी है। सैमसंग स्टोर, स्मार्ट थिंक, ये तो सबको पता है कि इसके अंदर इसका अपना ऐप स्टोर है जहाँ से हम डाउनलोड वगैरह एप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स हैं इसके अंदर, और इसकी अगर वारंटी की बात करें 1 ईयर इसकी कंपनी ऑफिशियल वारंटी हमें देती है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर हमने 65 इंच CU 7000 जो कि 2023 की सबसे लेटेस्ट LED थी जो इसी मंथ हमें रिसीव हुई थी, उसका आपके लिए आज हमने रिव्यू किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।